मैं आपको कैपिटल लेटर सिंपल जो कैपिटल लेटर होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, सिंपल जो स्मॉल लेटर होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और आज हम लोग कर्सिव लेटर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा कर्सिव लेटर लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम कर्सिव जो है वो कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स में आप कोई थ्री लाइन का यूज करें, लेकिन कर्सिव लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो हम पेंसिल को उठाते नहीं है, जब तक आपका लेटर कंप्लीट नहीं हो जाता पेंसिल को बिल्कुल उठाना नहीं है। ओके, वो आपको भी समझ में आएगा, मैं बताती हूँ किस तरीके से। तो बिल्कुल जो मैं समझा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि कर्सिव लेटर्स एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया सही तरीके से तो आप आगे भी उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग आज कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं, मैंने लिखा है कर्सिव लेटर्स और मैं आपको लिखवा रही हूँ कैपिटल लेटर। तो देखिए कर्सिव लेटर्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए, यहाँ ना बनाकर मैं पहले आपको यहाँ समझाती हूँ, इधर देखिए कैसे लिखना है। थ्री नंबर से थ्री नंबर की लाइन से स्टार्ट करें, और कर्सिव लेटर्स जो होते हैं वो नीचे से स्टार्ट होगा। देखिए कैसे पेंसिल बिल्कुल नहीं उठानी है, आप देखिए मैं भी नहीं उठा रही हूँ, देखिए यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वापस हम लोग नीचे आए हैं, फिर वापस से हमने हाफ टर्न किया है और अंदर क्रॉस करते हुए हम लोग बाहर लाइन पे जा रहे हैं। देखा आपने, ये है ए, समझिए आप पेंसिल बिल्कुल नहीं उठाना है। फिर से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर से स्टार्ट करना है, देखिए वापस बाहर आना है, नीचे आना है, हाफ टर्न करना है और यहां से क्रॉस करते हुए आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है, मैंने चौक बिल्कुल नहीं उठाई है, आपको भी पेंसिल नहीं उठाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये से बना दिया और यहाँ से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करें, प्रॉपर तरीके से लिखें। देखिए अब ए थर्ड नंबर की लाइन से आप लोग ऊपर गए, वापस उसी लाइन पे वापस आना है, हाफ टर्न करना है और अंदर जाकर इसे बाहर निकाल देना है, ये है ए, समझ गए। फिर से देखिए ऊपर फिर आप नीचे आए, हाफ अंदर गए और बाहर की तरफ आप आगे। ओके, ये है ए। अब देखिए बी, बी पहले आप लिखते कैसे बनेगा, वन लाइन टर्न करते हुए गए और आपको वन लाइन में टर्न करना है, बी फोर बॉल जो है आपका यहां से थोड़ा अंदर जाएगा, समझ गए आप, ये है बी। कैसे लिखेंगे, अब देखिए गैप देना है, यहां से लिखते हैं टर्न किया वन टाइम एंड टू टाइम। ओके, ऐसे ही आपको नीचे लिखना है, मैं टू टू लेटर्स ही आपको सिखाऊंगी, पेंसिल बिल्कुल नहीं उठाना है, टर्न किया वन टाइम एंड टू टाइम। ओके, तो ये मैंने लिखा ए बी, सिर्फ आपको ये ही लिखना है, ये ए को आप रिपीट करेंगे, वन लाइन छोड़कर आपको इसको रिपीट करते जाना है, यहाँ पे भी आप बी को रिपीट करेंगे। ओके, तो ये जो है मैंने आपको कर्सिव लेटर्स का ए, कर्सिव लेटर्स का ए और बी अल्फाबेट जो है मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने बताया बेटा उसी तरीके से करें, पेंसिल को बिल्कुल भी आपको नहीं उठाना है। ओके, ये बात है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके,